Hello student, in this lecture we are going to see about vertex flow, right? Vertex flow kya hota hai? First of all, that the flow of the fluid along a curved path is vertex flow. Simple. Agar aapka flow ho raha hai fluid ka like this, in curved path mein, to ye vertex flow. Suppose karo, aapka ek container hai, theek hai? Ab is container mein rotating aapne koi element laga diya, stirrer laga diya, aur isme fluid ko rotate karaya. दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स फ्लो राइट. तो ये वाला जो वर्टेक्स फ्लो है क्योंकि आपने एक्सटर्नल क्या लगाया, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाया रोटेशन के लिए फ्लूइड में, तो ये वाला क्या कहलाएगा, दिस इज फोर्स वर्टेक्स फ्लो. ठीक. और अगर करो कि आपका वाटर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक कर्व पाथ आ गया, तो यहाँ पे जो फ्रीली रोटेट कर रही है वाटर उसे जब मुड़ जा रही है, तो ये जो इसके अलॉन्ग हुई यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, तो ये जो आपका फ्लो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या है, वर्टेक्स फ्लो में वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन एंड व्हाट आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फ्लो राइट. तो हम वो देखते हैं, बेसिक देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपका जो वर्टेक्स फ्लो है ये किसके अलॉन्ग है, कर्व पाथ के है, मतलब कर्व लाइक दिस. ओके. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट चूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट राइट, एट पर्टिकुलर थीटा डी थीटा राइट, पर्टिकुलर रेडियस आर. तो जो कार्टेशियन होता है कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये हमें इजी किस में पड़ेगा, पोलर वाले में. तो हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इसमें उपयोग करेंगे. तो देखते हैं भाई डेरिवेशन कैसे होगा. लेट्स सी, लेट्स सी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टेक्स फ्लो राइट. तो इसमें देखो क्या करना है, हमने क्या अज्यूम करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में एक एलिमेंट्री एलिमेंट. ठीक है. तो ये समझ लीजिए कि एट पर्टिकुलर थीटा, मान लीजिए दिस इज योर ओरिजिन राइट, दिस इज ओ इज योर ओरिजिन एंड हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो राइट. तो कोई पर्टिकुलर रैंडम कोई थीटा ले लीजिए, उस थीटा पे आपको क्या करना है, स्मॉल थीटा लेना है. ठीक है. स्मॉल थीटा कंसीडर कर लीजिए. अब स्मॉल थीटा कंसीडर कर लिया, अब जो ओरिजिन पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन, उससे आप आर दूरी पे क्या ज़ूम करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, मतलब जिसकी ये रेडियल डिस्टेंस क्या है, डी आर. कुल मिला के हम लोग जो कंसिडरेशन पॉइंट है वो ये है. ठीक है. स्मॉल एलिमेंट इज अवर कंसिडरेशन पॉइंट. ठीक है. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका कुछ वॉल्यूम होगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे अजम्पशन क्या लेना है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेन में है, वी हैव कंसीडर्ड वन प्लेन दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके. हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. तो हम इसमें है, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है. अब इसमें देख लीजिए क्या है, और इसकी सपोज कर लीजिए जो इसकी थिकनेस है दैट इज यूनिटी. ओके. यूनिटी. ठीक है. तो ये यूनिट थिकनेस का है, मतलब अगर आप इसे देखेंगे इसकी ऊंचाई या फिर इसकी गहराई या डेप्थ, तो वो क्या है, यूनिटी है. ठीक है. अब क्या है इसमें देख लीजिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है. अब ये जो स्मॉल छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे कि वर्टेक्स फ्लो में है, ये रोटेशन कर रहा है लाइक दिस. सपोज करो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन इसका जो रोटेशन है वो v है. v इज द व्हाट, वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. ठीक है. तो ये फ्लूइड के स्मॉल एलिमेंट का वेलोसिटी v है. तो ये स्मॉल एलिमेंट का वेलोसिटी इसलिए लिया गया है क्योंकि हर जगह पे फ्लूइड पार्टिकल, जैसे कि अगर सपोज करो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स है बहुत सारे. ठीक है. और ये रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस, दे आर रोटेटिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, सपोज v1 है, तो यहाँ पे कुछ v2 होगा. ठीक है. तो ये जब रोटेट करेंगे तो हर एक फ्लूइड का जो रेडियल डिस्टेंस है अलग अलग दूरी पे अलग अलग वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी v अज्यूम कर लिया. गुड. अब देखिए जब ये रोटेट करेगा, तो इसमें हमको पता है जब भी कोई चीजें अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करती है तो उसमें क्या जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट. और वो किधर एक्ट करेगा, वो बाहर की तरफ एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है उसको कितने वैल्यू होती है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ठीक है.
तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ आपका एक और फोर्स आ रहा है, दैट इज द प्रेशर फोर्स, रोटेशन कारण। और रोटेशन कारण डेवलप हो रहा है प्रेशर फोर्स। लेट सी, अब क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट आपने कंसिडर तो कर लिया, लेकिन इसमें लगने वाला प्रेशर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? लेट सी भाई, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है? और जो पीछे इसका आगे की तरफ लगेगा वो किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो ये चीजें बहुतों को समझ आती है और बहुतों को समझ नहीं आती। तो लेट सी भाई कि प्रेशर का एलिमेंट में क्या कर रहा है। प्रेशर ये कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर का है प्रेशर, इसलिए इस एलिमेंट में दोनों साइड से लग रहा है। अब इसको और कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए, लेट सी सपोज करो एक टनल है, ठीक है? अब इसमें काफी भीड़ है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोग जा रहे हैं बहुत सारे। अब क्या है, जब लोगों की संख्या बढ़ गई है, अब क्या हो रहा है, लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सपोज करो ये आप बीच वाले हो, तो क्या होगा कि आप सामने वाले से टकराओगे और पीछे वाला आपसे टकराएगा। तो इस प्रकार से जो आप बीच में खड़े हो, ये जो आपके आगे वाला है वो आपको पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, और जो पीछे वाला है वो बोलेगा चलो आगे बढ़ो जल्दी। तो ये क्या हो रहा है भाई, दोनों डायरेक्शन से कंप्रेशन आ रहा है। तो जो आपका स्मॉल एलिमेंट है ना, कंसिडरेशन, जो भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो इसमें लगने वाला जो प्रेशर है वो कंप्रेसिव नेचर का रहेगा। ये ऐसा लग गया प्रेशर, और पीछे से भी ऐसा लग गया प्रेशर, और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। डेल पे कौन, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है तो डी एक्स, और यू कैन से डेल्टा एक्स, ठीक है? ये ऐसा आपका लगता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, लेट्स सी यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर स्मॉल डी थीटा, राइट? थोड़ा बड़ा बना दिए ताकि आप आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे आपका सपोज करो दिस इज योर प्रेशर पी, ये आपका ए बी सी और डी। तो जो ए बी फेस में आपका लग रहा है प्रेशर वो पी है। अब देखो बच्चों, ये है रेडियल डायरेक्शन, तो प्रेशर में देखो एंगल तो आपने कोई चेंज नहीं किया, तो जो सी डी फेस है उसमें कितना प्रेशर लगेगा? प्रेशर प्लस भाई प्रेशर में कुछ चेंज, क्यों चेंज? क्योंकि आपने रेडियल डिस्टेंस मूव किया, बात खत्म। तो इसलिए डेल आर बाई डेल्टा आर, तो ये हो गया, दिस आर टोटल प्रेशर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो प्रेशर में कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस आर थी, ए बी फेस पे रेडियस आर थी, लेकिन सी डी पे कितनी हो गई भाई, ये डेल्टा आर बढ़ गया। तो ये जो डेल्टा आर बढ़ने के कारण प्रेशर में जो चेंजेस आए हैं वो पी प्लस इतना होगा, ठीक है? अब देख लो बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है? तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो रोटेशन हो रहा है, इसमें एक और फोर्स हो सकता है, सपोज करो मास के लिए, वेट के लिए, लेकिन वो है, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है? और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मास के लिए अगर मैं बोलता हूं कि कुछ लोड या फोर्स लग रहा है, तो भाई हम लोग कौन से प्लेन में है अभी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में मास कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी वेट हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं ये तीनों ही हैं, ठीक है? तो भाई इसका वैल्यू लिख लो, व्हाट इज द पी, अगर पी है, और सपोज करो ए बी, जो फेस ए बी है ना, इसका जो एरिया है क्या है? डेल्टा ए, ठीक है? और सी डी का क्या है एरिया? ऑलमोस्ट डेल्टा ए ही है, ठीक है? दिस इज द एरिया ऑफ द फेस। तो यहाँ पे जो आपका कंडीशन है, यहाँ पे हमने क्या कंडीशन, एक और चीज ज़ूम करनी, यहाँ पे तो आपने फेस ज़ूम कर लिया, और साथ ही साथ जो ये रोटेशन हो रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से हो रहा है। सो हियर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये आपका बीकर है, सपोज करो इसमें लिक्विड भरा हुआ लाइक दिस, अब ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, राइट? अब इस बीकर को जब मैं ओमेगा जीरो रखा तो ये था कंडीशन,
अब मैंने क्या किया, ओमेगा को सपोज करो 10 रख दिया। तो जब 10 रख दिया तो एज कंडीशन में क्या होगा भाई, ये जो पॉइंट है ये देखो, लेट्स सी ये पॉइंट हियर, तो यहां पे क्या होगा, आपका लिक्विड कुछ ऐसा इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आपका लिक्विड में कुछ यहाँ पे सेंटर पॉइंट में डेप्थ दिखेगा, और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो वॉल के करीब हैं वहां पे राइज होगा लिक्विड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ओमेगा 10 रखा है, मतलब क्या रखा भैया, ओमेगा को कांस्टेंट रखा है। तो जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा एट दैट कंडीशन, दिस थिंग इज इनस्टेबल कंडीशन, राइट। तो जब कांस्टेंट स्पीड से चीजें घूम रही हैं, तो ये जो पैटर्न है ये आपको ऐसे समय के साथ बदलता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब ये इसी कंडीशन में दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी फ्लूइड पार्टिकल लेता हूँ, तो देखो जब कोई भी चीजें गोल गोल घूमेंगी, सपोज करो लाइक दिस, तो यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल होगा, तो इसके ऊपर क्या लगने वाला है भाई, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा। लेकिन अगर ये इसी भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो नेट लगने वाला फोर्स है अंदर की तरफ बाहर की तरफ, वो क्या है, बराबर है। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर पोल भाई इसको बाहर ले जाना चाहता है, पी वाला। अब ए बी फेस है राइट, और ये सी डी, तो ए बी वाला तो क्या बोल रहा है कि भाई चलो बाहर की तरफ रेडियली, और सी डी वाला क्या बोल रहा है, अंदर की चलो, डेल पी बाई डेला। तो क्या होगा, इन दोनों जो प्रेशर है इसके कारण जो फोर्स निकलेगा वो किसके बराबर रहेगा, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बराबर। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस डेल पी अपॉन डेल आर डेल्टा आर, भाई एरिया गुणा कर दो डेल्टा है, माइनस पी डेल्टा है, ये किसके बराबर होने वाला है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बराबर। और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है, योर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये जो एम है वो क्या है, स्मॉल एलिमेंट, ये सेक्शन का मास। तो इस सेक्शन का जो मास है वो क्या निकल जाएगा, ये जो दूरी है बी सी के बीच में वो क्या है, डेल्टा आर है। तो भाई डेल्टा आर लिख दो, और भाई एरिया तो वैसे ही मान रखे हो आपने डेल्टा है, तो डेल्टा है एरिया ले लिया, बन गया वॉल्यूम, गुणा कर दो डेंसिटी, वी स्क्वायर बाय बाय। तो आप इस इक्वेशन को भैया देख लो, याद रख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पे देख लो, सॉल्व कर लो क्या आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये वाला टर्म जो है ये गायब होने वाला है, तो ये वाला टर्म बचेगा क्या, ठीक है देख लो। तो सॉल्व करने में आपको क्या मिलता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू रो डेल्टा ए डेल्टा आर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, राइट। अब यहां से देख लो क्या क्या गायब हो गया, इन दोनों को उड़ा दो, ये दोनों दोनों साइड से कैंसिल। तो कुल मिला के जो आपको जो एक इक्वेशन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ये इक्वेशन क्या करता है इसको समझिए। देखो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा, इसका मतलब ये है भाई आप प्रेशर में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में जब आप रेडियस में भी चेंज कर रहे हो। अब देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटी है, ये डेरिवेटिव है डेल पी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव थिंग, इसका मतलब ये भाई कि जब आपका रेडियस बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रेशर है वो भी बढ़ने लगता है। इसको आप इजिली एज्यूम भी कर सकते हो, क्योंकि अगर सपोज करो कोई रोटेटिंग ड्रम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पानी चढ़ जाता है वॉल की तरफ से, ठीक है, तो बाहर की तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे हाई प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वो एक कॉमन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आप मूव करोगे तो आपको जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जाओगे तो आपको हाई प्रेशर ज्यादा मिलेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और देखो वेलोसिटी के स्क्वायर के टर्म में बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन था, दिस वेरिएशन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो भाई साहब ये जो प्रेशर का वेरिएशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए था, लेकिन आपको तो पता ही है, इससे पहले भी आपने क्या पढ़ा है, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है कि भाई जो आपका प्रेशर होता है
ये चीज तो पढ़ी आपने, माइनस व्हाट, रोजी, ये क्या आ गया। तो भाई आपने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे आप पानी के डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो भाई ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि आपने कंसिडर क्या किया, ये देखो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये आपने जेड एक्सिस ऐसा ले लिया ऊपर की तरफ। तो भाई जब आप नीचे की तरफ बढ़ोगे मतलब इसमें क्या कर रहे हो, गिरावट कर रहे हो, निगेटिव वैल्यू ला रहे हो मतलब कम करते जा रहे हो जेड की वैल्यू, तो उस घड़ी में आपका प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो भाई ये जो वेरिएशन है ये कौन से प्लेन में मिल रहा है आपको, यू कैन से वर्टिकल प्लेन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो प्रेशर है, योर प्रेशर इज फंक्शन ऑफ व्हाट, रेडियस एंड जेड डायरेक्शन। तो ये चीज देखना आपने को, मतलब क्या, मतलब ये कि भाई आप इसको लिख सकते हो डेल पी अपॉन रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है आपको, रो वी स्क्वायर बाय आर। ओके यू गॉट दिस थिंग। एंड डेल पी अपॉन डेल जेड आपको मिलता है माइनस रो जी। तो कुल मिला के टोटल डेरिवेटिव ऑफ योर प्रेशर या द टोटल डेरिवेटिव योर डीपी कैन बी रिटन एज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर डेल्टा या डीआर लिख लो, ठीक है डीआर लिख लो, प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डीजेड लिख लो, ये लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन नंबर दो है भाई, अब इक्वेशन नंबर दो पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज द रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल आर, सॉरी आर इंटू डी आर, राइट, प्लस या डेल पी अपॉन डेल जेड ये क्या है, माइनस रो जी है इंटू डी जेड, ठीक है ये आपका प्रेशर का वेरिएशन आ गया। ओके यू गॉट दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन आ गया ना, ये आ गया आपका प्रेशर वेरिएशन भाई कैसे हो रहा है। अब ये जो इक्वेशन है ये वैलिड किसके किसके लिए, दिस इज वैलिड फॉर फोर्स एंड फ्री बोथ, ठीक है फोर्स एंड फ्री वर्टेक्स। ओके सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोर्स एंड फ्री बोथ वर्टेक्स फ्लो। ओके तो अब पर्टिकुलरली चले जाते भाई फोर्स के लिए, पर्टिकुलरली फ्री के लिए देख लेते क्या इक्वेशन मिलता आगे चल के। लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो बच्चों फोर्स वर्टेक्स फ्लो की एक स्पेशल कंडीशन होती है क्या, कि भाई आपका जो वेलोसिटी होता है ना वो ओमेगा इनटू आर होता है। ये तो बड़ी छोटी सी बात कर दी, क्योंकि देखिए ध्यान से, क्योंकि आपने फोर्स वर्टेक्स मतलब ये क्या है कि आपने मान लो सेंटर में स्टीरर लगा के भाई घुमाना चालू कर दिया, तो ये समझिए जहां आपने स्टीरर लगा के घुमाया सपोज ये स्टीरर, तो इसमें जो पानी का पार्टिकल है भाई एक्सिस के पास कम घूमेगा, और जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे पानी के जो पार्टिकल है उनकी रोटेशनल स्पीड, दैट इज लीनियर स्पीड यू कैन से वी की वैल्यू, वो बढ़ेगी, ठीक है ओमेगा इज कांस्टेंट सपोज, देन आप जैसे जैसे एक्सिस से दूरी बनाओगे वैसे वैसे उसकी लीनियर रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी। तो फोर्स वर्टेक्स के लिए क्या होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा, वी हैव दिस कंडीशन राइट, लेट पुट दिस कंडीशन इनटू द इक्वेशन। सो व्हाट इज द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन आ गया दैट योर डीपी इज व्हाट, रो वी स्क्वायर बाय आर डी आर माइनस रो जी डी जेड, ये आ गया। तो यहाँ पे भाई वैल्यू पुट कर दो वी की सिंपली, तो डीपी इज इक्वल टू व्हाट, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आर डी आर माइनस रो जी डी जेड। तो यहां से क्या मिलता है, डीपी इज नथिंग बट रो ओमेगा स्क्वायर आर
dr minus rho g dz। अब एक काम कर लीजिए भाई, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड्स में। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू p, सपोज p आ गया, ओके देन यहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड व्हाट 2 आ गया माइनस रो जी जेड आ गया प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन है, सब में कांस्टेंट आएगा तो मैं कांस्टेंट अलग से लिख गया और कुछ नहीं। तो यहां पे अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, अब एक काम कीजिए ना, इसको जो रो है रो जी इसे सभी टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो एक स्पेशल इक्वेशन दिखेगा आपको, रो जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस जेड प्लस सम कांस्टेंट। आगे भी सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे ये टर्म को आप क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अगेन, ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2g आ गया प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है कुछ कुछ दिख रहा है आपको फेमिलियर इक्वेशन बर्नौली जैसा, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस से, तो ये आपको याद रखना, इट इज फॉर फर्स्ट वर्टेक्स फ्लो, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों, या कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ वन रखू यहाँ वन रखू यहाँ वन रखू तो कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, पी वन अपॉन रो जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन, इट कैन बी रिटर्न एज पी टू डिवाइड बाई रो जी माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस जेड टू, राइट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब जो बात आती है आपकी, इक्वेशन लिखना है किसके लिए, फ्री या फिर नेचुरल वर्टेक्स फ्लो के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है भैया, फ्री या नेचुरल वर्टेक्स फ्लो, कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, तो एक्सटर्नल जो टॉर्क लग रहा है ना वो क्या है, जीरो है भाई। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लग गया, अब मैं एक्सटर्नल टॉर्क को और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिस रेट से आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब ये हो गया भैया मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम, इसमें अगर रेडियस को गुणा कर दोगे तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब इस एंगुलर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल टॉर्क के, और यह वैल्यू है जीरो। अब समझ लीजिए ये जीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू दैट कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो जीरो में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव टाइम का है तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में सम कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आता है एम वी आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। तो ये कुछ नया चीज दिख रहा है। अब देखो भाई, ये एम को तो हटा दो क्योंकि मास है, तो मास मास जाए कोई मतलब नहीं है, तो वी इंटू आर इज इक्वल टू सम अगेन सम कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, सम कांस्टेंट सी डिवाइड बाय आर। तो ये जो टर्म है आपको मिलता है किसमें, फ्री या नेचुरल वर्टेक्स फ्लो। तो ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लिख देंगे, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला था, क्या इक्वेशन मिला था, कि भैया आपका जो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है कैसे हो रहा है, रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, राइट, इंटू डी आर माइनस रो जी डीजे। तो इस इक्वेशन में पुट करना वैल्यू, तो भाई डी बी लिख दो, यहाँ रो लिख दो, और वी की वैल्यू क्या रखते हैं भाई, सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब हो गया, गुड, डी आर माइनस रो जी डी जेड। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन में क्या मिलता है, यहाँ पे पी मिलता है, राइट, कॉन्स्टेंट बाद में लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं उसका, ठीक है। डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल मान के चलो, बाहर निकाल दो, ओके, कॉन्स्टेंट तो भैया कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलता है, आर तीन माइनस तीन प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू, राइट, माइनस रो जी और जेड प्लस भाई कांस्टेंट आ रहा है, कुछ कुछ कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है पी इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर और ये बन गया ये, ठीक है, ये आ गया डिवाइड बाई माइनस टू रो जी जेड प्लस कांस्टेंट। तो यहां पे देखो क्या बन गया, P that is the pressure, rho is the density। अब देख लो बच्चों ये term क्या आ गया, this is nothing but v square,
ये माइनस टू है तो भाई माइनस टू यहाँ पर रहने दो, और माइनस रो जी जेड। अब देख लो रो जी से डिवाइड कर दो सबको, रो जी कर दो, यहाँ भी रो जी कर दो, यहाँ भी रो जी कर दो, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये कैंसिल हो गए भाई साहब, ये खत्म हो गया। तो क्या टर्म मिलता आपको, क्या मिल गया, पी अपॉन रो जी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी माइनस जेड प्लस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये आ रहा है क्या, आपने बना दिया बर्नौली इक्वेशन, राइट, तो ये क्या हो रहा है कि जब आप फ्री वर्टेक्स फ्लो की बात करते हैं, जब भी आप फ्री वर्टेक्स फ्लो की बात करें तो उस समय आप कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये है भाई कंक्लूजन, ये लगा दो। तो यहां पे आपने फोर्स और फ्री दोनों का कर लिया है डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, थोड़ा सा देख लीजिए। लेट्स कम टू द फोर्स वर्टेक्स फ्लो अगेन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, पैरामीटर ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है बाहर, तो वो देख लेते भाई क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो ये इक्वेशन याद देखो, ठीक है, अभी इक्वेशन में आप सपोज करो क्या हो रहा है, सपोज करो दिस इज योर इक्वेशन, राइट दिस इक्वेशन, रो जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन दिस पी टू अपॉन रो जी माइनस वी टू स्क्वायर टू जी प्लस जेड टू। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो दिस इज अ कंटेनर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, तो यहाँ पे जब रोटेट करता हुआ कंडीशन में क्या दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा कंडीशन। तो यहाँ पे सपोज आपने पॉइंट वन ले लिया और यहाँ पे पॉइंट टू ले लिया, तो प्रेशर एट वन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज ओपन टू द एटमोसफियर, राइट, देन द प्रेशर इज इक्वल एट द बोथ पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपको जो प्रेशर है वो बराबर है। अब क्या है, तो भैया पी वन पी टू तो बराबर हो गए, तो इस इक्वेशन से भाई ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या बचता है कि सपोज कोई डेटम, दिस इज योर डेटम, तो डेटम क्या होता है, वो पॉइंट होता है, वो एक लेवल होता है जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ हाइट वगैरह नापते हैं। तो ये हो गया भाई आपका जेड वन, और ये वाला हो गया भाई सपोज करो दिस इज योर जेड टू। तो इक्वेशन क्या बन जाता है आपका, आप देख लीजिए भाई क्या बन रहा है, दैट इक्वेशन, इसको कुछ भी दे दो, तीन तीसरा नंबर का इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आपका जेड टू माइनस जेड वन क्या आ रहा है, दैट इज योर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी, ये आ रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, और इसके बेस पे आपको काफी सारे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। अब देख लो भाई क्या लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर, राइट, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर अपॉन टू जी, तो भाई ओमेगा तो कांस्टेंट रहा तो ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ये आर वन की वैल्यू क्या भाई, आर वन तो भाई वैसे जीरो रहा पॉइंट वन में, तो ये वैल्यू वैसे जीरो आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के आपका क्या आ गया, ओमेगा टू आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, और ओमेगा टू नहीं लिखना है क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा और R2 यानी आप लिख सकते जो भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो सपोज करो R है, तो आप सिंपल ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2G वाला फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। और इसी में क्या आता है, सपोज करो कि ये कंटेनर है लाइक दिस, ये प्रोफाइल है वाटर का रोटेटिंग केस में, राइट, तो क्वेश्चन ये बन सकते भाई कि व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द टोटल डेप्थ, तो ये मान लो ये सपोज करो ये टोटल डेप्थ है, तो ये टोटल डेप्थ सपोज करो ये ले लो, तो ये आपका टोटल डेप्थ हो गया। तो एक काम करो इसको क्या मान लो, डेटम मान लो, ठीक है, और ये हो गया आपका जेड। तो सिंपल जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन जाता है, जेड दैट इज योर डेप्थ इज ओमेगा स्क्वायर, और ये जो रेडियस की अगर मैं बात करता हूं, ये अंतिम पॉइंट पे, मतलब ये रेडियस बन गया भाई कंटेनर का, दैट इज यू कैन से कैपिटल आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर डिवाइड बाय 2g।
तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है सिंपल सा, ठीक है। तो आप बेसिक याद करेंगे, बाकी हर कंडीशन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।